14 सितंबर 1989 के उस रोज सुबह का वक्त था। श्रीनगर के त्रिंकाल मोहल्ले के एक मकान के बाहर एक नन्ही बच्ची रोते हुए खड़ी थी। मकान के बाहर के कमरे में टीका लाल कुछ काम निपटा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहीं दूर से बच्ची के रोने की आवाज सुनी। कदम रुक गए और फिर कुछ सेकंड बाद टीका लाल कमरे से बाहर निकले और अहाते से होते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचे। पास खड़ी बच्ची को रोता देख टीका लाल ने पूछा, ये रो क्यों रही है? बच्ची की माँ ने कहा, स्कूल में जलसा होना है, इसे पैसे चाहिए पर पैसे हैं ही नहीं। टीका लाल ने जेब में हाथ डाला और 5 रुपए बच्ची के हाथ में रखकर उसका सिर सहला दिया। बच्ची शांत हुई ही थी कि सामने से कुछ हमलावर टीका लाल के करीब पहुंचे, बंदूक निकाली और जब तक कुछ समझ में आता गोली चला दी गई। टीका लाल टपलू की इस घटना का रोज कश्मीर से पंडितों के पलायन की एक ऐसा शुरुआत का अध्याय बना, कालांतर में जिसके पीड़ित 70,000 से अधिक परिवार बने। पेशे से वकील टीका लाल टपलू जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। 14 सितंबर के उस रोज उनकी हत्या एक ऐसे माहौल में हुई थी जब कश्मीर में इस्लामिक शासन के नारे लगते थे, कुफ्र के मैदान का जिक्र होता था और निजाम मुस्तफा की बात होती थी। टपलू उन लोगों में से एक थे जिनका सारा वक्त कश्मीरी पंडितों की हिमायत में गुजरता था। हत्या का आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा था। ये वो संगठन था जिसकी स्थापना टपलू की हत्या से कुल 1.25 साल पहले 1988 के जुलाई महीने में हुई थी। हत्या का आरोप भले ही मीडिया की खबरों का हिस्सा बना, लेकिन ये सच था कि आरोपी कभी पकड़े ही नहीं गए। कहानियों में टीका लाल टपलू की हत्या को एक ऐसी घटना के रूप में कहा जाता है जिसके बाद ही कश्मीर से पंडितों के पलायन की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।